आज़ादी के बाद भी सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत गलत किया गांधी जी ने, पूरे देश में लोकप्रिय थे, उन्होंने अकेले बस पे अपनी आर्मी खड़ी कर ली, इसके बावजूद उनको जो अध्यक्ष बनने के बाद भूख हड़ताल करके गांधी जी ने हटवाया। गांधी जी अच्छे इंसान कहीं से नहीं। वेलकम टू ज़ेरेनियम म्यूजिक गाइस, योर ऑनलाइन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं जिशान मलिक, एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ब्रांड न्यू पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर किसी की जुबान पे नोट ही नोट चढ़े हुए हैं, नोट आजकल बहुत फैशन में है। आज हम लोगों से बात करेंगे, अगर नोटों पे गांधी जी के अलावा किसी और की तस्वीर छपनी चाहिए तो किसकी छपनी चाहिए, लेट्स गो। जैसा कि आप जानते हैं नोट चल रहे हैं भैया, नोट सब नोट नोट हर किसी की जुबान पे नोट ही चले हुए हैं आजकल। ये बताओ, अगर नोटों पे गांधी जी के अलावा किसी और की तस्वीर छपे तो किसकी छपे, अगर आगे भविष्य में ऐसा हो कभी? भगत सिंह जी की आनी चाहिए, आज़ाद जी की आनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस की भी। क्यों, रीज़न बताओ क्यों? सारा हाथ तो उन्हीं का देश को आज़ाद कराने में, और किसका हाथ है? कुर्बानियाँ तो उन्होंने दी, और गांधी गांधी ने कौन सी ने कुर्बानी दी देश के साथ लिखाते थे। मेरे अकॉर्डिंग तो यही कहता है कि गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से बचाया है। गांधी जी के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। गांधी जी की यार। नहीं, गांधी जी की जपनी चाहिए भाई, नहीं और उनका चश्मा ही बहुत सही लगता है मेरे को। बिल्कुल सही, गोल है एकदम गोल। किसकी छपनी चाहिए, मोदी जी की? नहीं, आई डोंट थिंक सो। भगत सिंह, रीजन दी है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। केजरीवाल की फोटो आनी चाहिए नोट पे, सीधा दो हजार के नोट। सॉरी, सीधा 2000 पे केजरीवाल की फोटो आनी चाहिए, और ये मेरी खबर पूरे भारत में फैलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष या गेल्स ने चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आपको ये नहीं पता सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा देश के लिए? क्या करा, एक मिनट बताना, बताओ। शहीद भगत सिंह की फोटो छपनी चाहिए। और क्यों सर? शहीद भगत सिंह ने अपने मतलब देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज के डेट में देखेंगे तो शाहरुख खान का छाप दीजिए, ज्यादा चलेगा। आई बिलीव भगत सिंह। भगत सिंह क्यों? He has done lot for the country, I believe. But उधर नल justice नहीं आया। भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस। और क्यों? भगत सिंह क्यों? सबसे पहले ideology आई थी extremism की, वो सबसे पहले भगत सिंह से आई थी। और गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा भी सकते थे, लेकिन गांधी जी ने नहीं बचाया, जिसका बहुत ज़्यादा गम होता है देशवासियों को। सर APJ अब्दुल कलाम की। ये सही कह रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम की होनी चाहिए। सरदार पटेल का होना चाहिए, और सुभाष चंद्र बोस का होना चाहिए, भगत सिंह का होना चाहिए, क्रांतिकारियों का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही इस देश को आज़ाद कराया। गांधी ने आज़ाद नहीं कराया, कायर लोग कभी आज़ाद नहीं कराते देश को, थप्पड़ खाने वाले कभी आज़ाद नहीं कराते हैं देश को। माय चॉइस इज अब्दुल कलाम। We have seen many politicians, but he is so gentle and he is so loyal. नान के क्या चलन में है, ये तो गांधी जी को आगे कर दिया, अब इस चले आ रहे हैं, कांग्रेसियों ने कर दिया आगे चले आ रहा है। नहीं तो सुभाष चंद्र बोस इतना देश का नेता था, अच्छा नेता था, उसको तो बेचारे ने तो इधर उधर करा दिया नेहरू ने, और क्या, उसको तो सुभाष चंद्र बोस की फोटो आनी चाहिए था गांधी जी की जगह। Netaji Subhash Chandra Bose, just because he is never honored in any way by the government, but he also fought equally for the freedom, and also he is one of the main reasons why India got the freedom. Sardar Patel ki chapni chahiye agar Gandhi ji ke alawa koi chape to. Kyun? Kyunki wo responsible hain jo bhi aaj India hai, jo bhi aaj India pura jo united hai uske liye sab wo responsible सरदार पटेल है। मेरे हिसाब से मोदी की छपनी चाहिए। मोदी ने इतने अच्छे काम करा है, उसने ब्लैक मनी पे इतना बड़ा कर्रा बार करा, रातों रात उसने सब बंद कर दिया है, उसने इतना बढ़िया एक्शन लिया है जो पहले किसी ने नहीं लिया था। अब्दुल कलाम मेरे हिसाब से। तो अब्दुल कलाम सर क्यों? सर पता है क्यों? वो बहुत फ्रेंकली और बहुत ना साधारण बंदे थे, मतलब आज तक आपने सुना भी नहीं होगा उनके बारे में, यहाँ वहाँ की बातें या कुछ ऐसा किया हो उन्होंने, मगर क्या है, उन्होंने मिसाइल वगैरह हमारे इंडिया को विज्ञान में बहुत आगे लेके गए हैं। मेरे हिसाब से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का होना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा आज तक तो कोई व्यक्तित्व पैदा ही नहीं हुआ इंडिया में। महात्मा ने तो देश को बंटवारा किया, कुछ नहीं किया, उनके अलावा कुछ किए नहीं। वो तस्वीर तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। किसी की नहीं होनी चाहिए,
मेरे हिसाब से जवाहरलाल नेहरू की छपनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी देश के लिए काफ़ी काम किया है। वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको उनकी उनकी फोटो नोट पे छपने चाहिए। हमारे देश के बी आर अम्बेडकर जी के। बिल्कुल सही। और क्यों सर? वो सबसे एजुकेटेड थे, वो जो सबसे पढ़े लिखे हमारे देश के थे, वो जिनने हमारे देश का संविधान लिखा। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, आगे आने वाले टाइम में कभी भी हमारे फोटो नोट पे नोटों पे तो फोटो चेंज किए जाए तो बी आर अम्बेडकर जी की होनी चाहिए। मोदी जी की छाप दो। क्यों छापें? क्यों? रीज़न स्टेप लिया उन्होंने, इट्स गुड फॉर कंट्री। तो मतलब आप ये मान रहे हैं बहुत लेजेंडरी स्टेप है? इट्स गुड फॉर फ्यूचर। भगत सिंह पर क्यों? पहली बात तो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो। हाँ जी। दूसरी बात हमारे युवा नेता हैं, थे कभी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरी बात अपना घर बार छोड़ के देश की आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। द मेन रीजन फॉर इंडिपेंडेंस इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एंड इंटरनेशनल आर्मी इन दिस लेवल बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस करेंसी साइन सम अदर मींस ही मस्ट बी ऑनर्ड हार्डन इन सम वे। तो दोस्तों कोई कह रहा है गांधी जी की फोटो होनी चाहिए, कोई कह रहा है किसी की नहीं होनी चाहिए, कोई कह रहा है किसी फ्रीडम फाइटर की होनी चाहिए, कोई कह रहा है किसी पॉलिटिशियन की होनी चाहिए। आपको क्या लगता है नोटों पे किसकी फोटो होनी चाहिए? आप लोग नीचे कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू ज़ेरेनियम म्यूजिक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर विद द नेम ऑफ मिस्टर ज़ेरेनियम। लिंक आपको नीचे दिख रहे होंगे। थैंक यू।